हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रमिला। प्रमिला लेकर आई है आपके लिए टेस्टी यमी वनीला आइसक्रीम। फ्रेंड्स, तो कैसे बनती है फ्रेंड्स हमारी ये वनीला आइसक्रीम? तो करते हैं स्टार्ट, चलते हैं अपने वनीला रेसिपी की तरफ। वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए हम लेंगे 1 kg दूध। ये हमारा फुल फुल क्रीम वाला दूध है और नापेंगे तो हमारा ये 2 ग्लास के करीब होगा। 1 ग्लास ऐड कर दिया है, 1 ग्लास और ऐड कर देते हैं इसमें हम। हाई फ्लेम पे इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और जब ये हाफ हो जाएगा तब इसमें हम 5 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। हमारा दूध पककर गाढ़ा हो चुका है, अब इसमें हम 5 टेबल स्पून शुगर ऐड कर देते हैं। अब अपने दूध में हम वनीला कस्टर्ड 3 टेबल स्पून ऐड करते हैं। इसको हमने लिया है, ये हमारा दूध है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है फ्रेंड्स, और इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड। कभी भी कस्टर्ड को हम गर्म दूध में नहीं ऐड करना चाहिए। ये हमने 3 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है, इसको घोल देंगे और अपने दूध में हम इसको ऐड करेंगे। इसको लगातार चलाते रहेंगे इस तरह से हम। अब इसको हम लगातार चला रहे हैं और 3 मिनट्स हमें इसको और पकाना है, और इसको पका कर फिर हम कर देते हैं ठंडा। ये देखिए बिल्कुल अच्छा इसका ऐसा टेक्सचर हो गया है, ये देखिए एकदम क्रीमी क्रीमी। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। ये हमारा ठंडा हो गया है। अब इसमें ठंडे हमें दूध में डालनी है घर की जो फ्रेश मलाई होती है ना, वो डालनी है। ये हम डाल रहे हैं 5 टेबल स्पून, ये डालकर हम इसमें ऐड कर देते हैं इस तरह से। ये लगातार इसको हम मिक्स कर देते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब हमें क्या करना है, एयर टाइट बॉक्स में, चाहे आप टिफिन बॉक्स ले लीजिए या कोई भी एयर टाइट डिब्बा ले लीजिए, उसमें अपने इस बैटर को हम डालते देते हैं। ये देखिए ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें चाहे तो आप क्या कम करना है, फॉइल पेपर लगा सकते हैं या किसी भी तरह की जो आपकी पॉलिथीन है वो लगा दे। मैं इसके ऊपर एक इस टाइप की पॉलिथीन लगा देती हूँ जिससे हमारे इसमें आइस ना आए। अब इसको हम कर देते हैं बंद। और फ्रेंड्स चाहे तो आप इसको ओवरनाइट या 7 से 8 घंटे रख सकते हैं, या फिर आपको इसको अगर और सॉफ्ट बनाना है तो आप इसको पहले 2 से 3 घंटे के लिए जमा दें, फिर उसके बाद में मिक्सी में 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लें। तो हम इसको पहले 3 घंटे के लिए जमा देते हैं अपनी फ्रीजर में, फिर इसके बाद में इसको एक बार ग्राइंड करेंगे, अपने ब्लेंड करेंगे मिक्सी जार में। ये हमने बंद कर दिया, अब 3 घंटे के लिए इसको कर देते हैं। 3 घंटे बाद सेकेंड प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं इसका। तो फ्रेंड्स हमारे 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं, अब इसको हम एक बार खोल लेते हैं और इसको अपने मिक्सी ग्राइंड में एक बार कर लेते हैं ब्लेंड, जिससे ये काफी हमारा सॉफ्टली हो जाए। ये देखिए इसका जो टेक्सचर है वो पहले से थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम जार में डाल लेते हैं और एक बार इसको 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा स्टॉप कर करके इसको ब्लेंड कर देते हैं। अब ये काफी क्रीमी हो चुका है, अब फिर से अपने हम इसी बॉक्स में इसको ऐड कर देते हैं। अब हमने सभी इसमें डाल दिया है अपना बैटर, अब इसको हम इसी पॉलिथीन से कवर कर देते हैं जिससे कोई भी हमारे इसमें आइस क्रिस्टल ना आए इसमें, और इसको हल्का सा इस तरह से पुश कर देते हैं। और अब इसको एयर टाइट बॉक्स को हम कर देते हैं बंद। फ्रेंड्स अब अपने इसको हम ओवरनाइट या 7 to 8 घंटे के लिए रख देते हैं। हम इसको ओवरनाइट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी आइसक्रीम का टाइम हो चुका है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको हमने ओवरनाइट के लिए रखा था फ्रीजर में, आइस का से इसकी
पॉलीथीन को हम हटा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमारी वनीला आइसक्रीम, ये देखिए, ये हमारी टेस्टी टेस्टी यम्मी आइसक्रीम, ये देखिए कितने अच्छे से हमारी वनीला निकल रही है। बहुत यमी है हमारी वनीला आइसक्रीम एंड सॉफ्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी वनीला आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है, खाने में टेस्टी टेस्टी एंड यमी फ्रेंड्स। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारी ये वनीला टेस्टी आइसक्रीम की रेसिपी फ्रेंड्स? तो जल्दी से फ्रेंड्स अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए फटाफट से लॉकडाउन में अपने घर में ही इस यमी यमी आइसक्रीम को बना डालिए। हम आपको स्पून से दिखाते हैं ये कितनी सॉफ्ट ये है। ये देखिए एकदम है ना, कितनी सॉफ्ट, देखिए कितने आराम से निकल रही है। तो फटाफट से खाने का मन करा, टेस्ट करके देखते हैं। वाओ कितनी यमी है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को फटाफट से लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर लीजिए और कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को फ्रेंड्स कर दीजिए प्रेस। और फिर से मिलते हैं आपको एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।